नीतीश कुमार के हटते ही 16% वोटों का नुकसान हुआ। 72 का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लेती है और अपने सहयोगियों के साथ 300 से ऊपर सीटें उसके पास होती है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अब उसके साथ वामदल को भी जोड़ ली। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फेफड़ी पड़ने वाली बात है ना कि आखिर नीतीश कुमार को लाया कैसे जाए। सबसे पहले हुआ क्या कि विनोद तावड़े को भेजा गया तो विनोद तावड़े ने साफ कह दिया कि रास्ता टोटली क्लोज। 2024 के लोकसभा चुनाव होने में एक साल का वक्त है, लेकिन बिहार के साथ साथ पूरे देश की सियासत जो है अब काफी सरगर्मी बढ़ गई है। जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो फिर आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, बीजेपी इतनी बौखलाई क्यों है और बीजेपी ने वो कौन सी रणनीति तैयार की है मोदी को फिर से पीएम बनाने का, इसके पीछे का पूरा गेम क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बाबा जो है इसका विश्लेषण करेंगे। बाबा सबसे पहला सवाल जो है कि नीतीश कुमार अलग हुए बीजेपी से और साफ तौर पर दिख रहा है कि बौखलाहट तो है, तो फिर बीजेपी ने अब कौन सी रणनीति तैयार की है, वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए फिर से मोदी को पीएम बनाने की पूरी तैयारी है। देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं जी, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो बयान आते हैं, जो नेताओं से बातचीत होती है, उसके आधार पर हम अपना एक दायरा रखते हैं। हम कोशिश करते हैं समझने का कि आखिर वो है क्या, और वही समझाने का कोशिश भी हम करते हैं। आज जो आपने विषय रखा है उस विषय में हम बताने से पहले आपको ये बता दें कि इसके तीन पहलू हैं। सबसे पहला तो आपने पूछा कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या फॉर्मूला है जिससे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बना पाएगी। सवाल बड़ा है, एक साल पहले हम इस विश्लेषण को कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये विश्लेषण अगर हम जो जिस आधार पर कर रहे हैं और जो हमारे पास इनपुट है उसके आधार पर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसके असर दिखेंगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से ही हो सकता है कि 2024 के चुनाव में परिणाम भी आए। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए कि नीतीश कुमार जब पिछले साल अगस्त में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी को लॉस क्या हुआ। सबसे पहला लॉस हुआ कि एक राज्य से उसकी सरकार चली गई। दूसरा, नीतीश कुमार के हटते ही 16% वोटों का नुकसान हुआ। अब इन सारी बातों को अगर सामने रख दिया जाए तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। अब इस मुश्किल से निकलने का उसको रास्ता चाहिए और नीतीश कुमार, अब आप इस भी कह सकते हैं कि भाई 2014 में तो नीतीश कुमार नहीं थे, तब भी एनडीए को 31 सीटें आई थी। उसके फॉर्मूले और इसके फॉर्मूले में काफी अंतर है। इसको समझने के लिए आपको 2014 समझना पड़ेगा और खास करके जो प्रबुद्ध जनता है हमारे भारत लाइव और पंचनामा के, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में अलग थी, जिसके साथ जो बाकी के चार दल थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इसमें आपको हम अगर आंकड़ों के हिसाब से बताएं तो 2014 में 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, 22 जीत करके आई थी। अगर बात करें आरएलएसपी की तो 3 सीटों पर और 3 सीट जीत करके आई थी और 100% रिजल्ट दिया था। वहीं एलजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटें जीत कर गई। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी थी लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाई थी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये आखिर 31 सीटें आई कैसे। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसमें त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। त्रिकोणीय मुकाबला में राष्ट्रीय जनता दल अलग थी, जनता दल यूनाइटेड अलग थी और वाम दल अलग थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस भी अलग थी। तो ये सारे लोग जब अलग थे और अलग होने के साथ साथ जो वोटों का बंटवारा हुआ, उस वोटों के बंटवारा में जो आंकड़े बताते हैं उसमें से 20% से ज्यादा वोट लेकर के 4 सीटें लेकर के आए राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद 15% से ज्यादा, मतलब लगभग 16% के पास आसपास वोट लेकर के आए नीतीश कुमार, उनको 2 ही सीटें मिली थी। और कांग्रेस की बात करें तो वो 8.40% ला करके 2 सीटें जीत करके आई थी। अब आप समझिएगा कि 20 अब 15, 35 और 8, 43% वोट होते हैं। इन 43% वोटों का ध्रुवीकरण हुआ जी। अब तो गेम आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस गेम में भारतीय जनता पार्टी मात्र 37% वोट ला करके
और सत्ता में कामयाब हो जाती है। 272 का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लेती है और अपने सहयोगियों के साथ 300 से ऊपर सीटें उसके पास होते हैं। इसका मतलब सीधा है कि नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, अब उसके साथ वामदल को भी जोड़ लीजिए, अगर ये एक जगह आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फेफड़ी पड़ने वाली बात है ना। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये थी कि आखिर नीतीश कुमार को लाया कैसे जाए। पहला ये था कि नीतीश कुमार को लाया कैसे जाए, उसके लिए प्लानिंग होनी शुरू हो गई। लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं आते हैं तो फिर इसको कैसे मैंने भरपाई किया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होगा, तो उसके लिए सही शब्दों का चयन करना पड़ेगा। लेकिन यहां से खेल गड़बड़ा गया। सबसे पहले हुआ क्या कि विनोद तावड़े को भेजा गया तो विनोद तावड़े ने साफ कह दिया कि रास्ता टोटली क्लोज, अब कोई भी इस तरह के गठबंधन या नीतीश कुमार का दूर दूर तक कोई हमारे साथ किसी सूरत में उनको कब की बात थी विनोद तावड़े में, जब अगस्त में अलग हुए थे। अच्छा, इधर हाल की बात, आप हाल की बात बता रहे हैं, जब अलग हुए थे तभी तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब बेचैनी बढ़ी तो विनोद तावड़े को भेजा, चूंकि वो इतने ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा वो ध्यान रखते हैं, उनको भेजने के पीछे कारण यही था कि नीतीश कुमार से जब दुराव हुआ था और 2020 में जो प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो प्रयोग सफल नहीं हुआ था। एक प्रयोग किया था जिसमें पुराने लोगों को साइड करके नए लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि अगर सत्ता के रूप में देखें तो उसका प्रयोग असफल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को अगर देखें तो उस प्रयोग में ये सफल रहा था, क्योंकि नई जो पौध है, नया जो नेताओं का फौज पैदा हुआ, लीडरशिप, ये लीडरशिप कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है। जैसे सम्राट चौधरी को आप देख लीजिए, आप संजय जायसवाल को देख लीजिए, इसके अलावा बहुत सारे हैं, नाम कितना गिना हूं। लेकिन वहां जो आप एक दायरा देख रहे थे जिसमें प्रेम कुमार थे, सुशील मोदी थे, नंदकिशोर यादव थे, ये लोग जो हैं, इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक नए सिरे से अपने उदय का शुरुआत किया। मतलब 17 साल तक जो बच्चा जवान हो गया हो और वो हमेशा अपने पिता के साये में जी रहा हो तो उसको अपने जीवन के बारे में क्या समझेगा। जैसे ही आजाद हुए 2022 के अगस्त में, आजादी भी उसी दिन मिली थी, एक क्रांति हुई थी, बड़ी क्रांति हुई थी 8 तारीख को, 8 अगस्त को, उस क्रांति के बाद ही हमें आजादी मिली थी। तो उस दिन ऐसा लगा कि भारत की तरह भारतीय जनता पार्टी भी आजाद हो गई है और ये जो नया लीडरशिप है उसने काम करना शुरू कर दिया। इसी का नतीजा था कि विनोद तावड़े ने साफ कह दिया, और ये हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, पिछले 10 सालों से हम लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तभी प्रगति कर सकती है जब नीतीश कुमार के चंगुल से आजाद हो, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दब करके रही है, चाहे जिस डर से रही हो, सत्ता जाने के डर से, लेकिन इस बार वो डर समाप्त हो गया है। जैसे ही तावड़े ने कहा किसी सूरत में हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो नीतीश जी ने भी कहा कि मर जाएंगे अब साथ नहीं जाएंगे, हालांकि पहले भी उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी दूसरी है। 12-13 महीना करीब चुनाव के बचा हुआ है और यहाँ तैयारियां शुरू हो गई है। अब ये वोटों का प्रतिशत की जो चर्चा हम आपसे किए थे कि इसकी कमी, आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे पहले मैं जवाब दे दूं, आपका क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि आखिर 2014 और 2019 का जो रिकॉर्ड है उसको कैसे दुरुस्त करेगी या उस पर कैसे कायम रह पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और हर किसी के जहन में सवाल रह गया। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने निकल पड़े हैं जिसका उनको रिजल्ट भी मिल रहा है, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, हालांकि उनके पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो एक अलग मसला है। लेकिन इस मसले पर अगर देखें तो वोटों के प्रतिशत में भारी बंटवारा होने के चलते 2014 में भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर जीत, मतलब महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए जीत करके आई। ये कहीं ना कहीं अब साफ नजर आ रहा है कि जो 2019 में हुआ अगर उसमें आप देखते हैं तो जेडीयू को लगभग 15.5% के आसपास वोट प्राप्त हुए थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगभग 20% के आसपास वोट प्राप्त हुए थे। अगर टोटल को जोड़ लिया जाए तो 35% वोट, इसी 35% पर वो 40 में से 39 सीटें जीत करके आई। अब यहां खेल समझिएगा, यहां एक सेक्टर जो काम किया वो था कि नरेंद्र मोदी के प्रति और नीतीश कुमार के प्रति लोगों का एक जुड़ाव था, इनका सुशासन और उनका राष्ट्रवाद, ये दोनों मिल करके
कहीं ना कहीं जगह पर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 15.5% जो वोट नीतीश कुमार वाला था वो अब 2024 में कैसे मिलेगा। फिर यहां आकर के वही बातें हो जाती है। एक तरफ यहां 2014 में ये जो वोट के बंटवारे हुए उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, और 2019 में नीतीश कुमार के आने से वो वोट मिल गए इनको 16%, जिसके चलते 35% में ही अपना आगे बढ़ गए। तो इन सारी चीजों को अगर देखते हैं तो लोकसभा में एनडीए की 16 सीटें कम भी हुई है, नीतीश कुमार के अलग होने से 16 सीटें कम हुई है। और अब महागठबंधन के पास, जो महागठबंधन एक सीट था उसका 2019 में, उसके पास 17 सीटें हो गई है। इस गेम को आप समझ रहे हैं ना, तो 17 सीटों का कम होना माने 40 में से अब उधर उधर देख लीजिए आपकी 6 सीटों वाले जो गठबंधन है एलजेपी, दोनों एलजेपी की मैं बात कर रहा हूं, वो भी कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है और स्थिर है। क्या होगा, उनका भी बुलावा आ रहा है उधर से महागठबंधन से कि आ जाइए मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि जो पशुपति कुमार पारस है उनका दबदबा नहीं है अपनी पार्टी के सांसदों पे, ये भी एक मसला हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 40 में से 39 2019 में जीतने वाली एनडीए अभी चुनाव से पहले ही 17 सीटों का लॉस सह रही है, अगर उन दोनों को मान लिया जाए उसमें। तो एक तो ये गेम समझने वाली बात है कि ये 17 सीटें आखिर क्या होगी, इन 17 सीटों पर चुनाव में जो होना होगा सो होगा, भारतीय जनता पार्टी जो पोलराइजेशन करना चाहिए करेगी। लेकिन वर्तमान में आंकड़ों की अगर बात करें तो बिहार में 17 सीटें तो हैं, इसके साथ साथ बार बार नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथी कह रहे हैं कि हम 40 सीटें लेकर के, क्योंकि 16% याद रखिएगा उसको भूलिएगा मत, कि नीतीश के हटने से 16% कम हुआ है। तो वहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा था, जो वोट का पोलराइजेशन हो रहा था उसको लेकर के 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, तो वो सारे वोट एक जगह आकर के इकट्ठा हो गया, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हो, कांग्रेस के हो, जेडीयू के हो, वाम दलों के हो, और अभी कई लोगों को जुड़ना है, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का भी उसमें एक छोटा सा स्टेक है। तो ये सारी चीजें लेकर के कहीं ना कहीं 17 सीटें तो ऑलरेडी है इनके पास, बाकी के जो सीट है 23 सीटें, उन 23 सीटों पर नीतीश कुमार का कहना है कि हरा करके 303 सीट में अगर 40 सीट घटा दे तो 272 का आंकड़ा पूरा नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को वहां रोका जा सकता है। अब खेल यहां से शुरू होता है कि आखिर वो फॉर्मूला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन हम जान रहे हैं इसलिए कि जो लीक करके रखे हुए हम सब समझ रहे हैं, आपका अगला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इस 16% वोट जो है इसको जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इसको समझने के लिए आपको फिर से आना पड़ेगा उस जगह पे। जो हमारे पास आंकड़े हैं उस आंकड़ों के हिसाब से इसमें 3 शख्सों को जोड़ लीजिए आप। एक तो आप जोड़ लीजिए कि उनके साथ आरसीपी सिंह जुड़े हैं, दूसरा उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं, और तीसरा दो लोगों को जोड़ने, सम्राट चौधरी तो ऑलरेडी हैं, उनका व्यक्तिगत कोई उसमें योगदान नहीं है क्योंकि वो उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। लेकिन जब बात आप करते हैं वोटों के ध्रुवीकरण की, वोटों के पोलराइजेशन की, तो नीतीश कुमार के 16% वोट का ही मुख्य लक्ष्य जो है वही फॉर्मूला में शामिल है भारतीय जनता पार्टी। उन 16% वोटों को लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो उन वोटों को कैसे लाया जाए ये होगा, और दूसरा वो एक जो महागठबंधन है उसमें कैसे न एका टूटे, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो फिर से 2014 वाली स्थिति पैदा की जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक मजबूत हो जाए और उन वोटों का बिखराव हो जाए। दूसरा 2019 वाली स्थिति हो सकती है कि नीतीश कुमार जो उधर गए हैं तो 16% वोट कहां से आएंगे, तो उसके लिए आप समझिए कि 10% वोट जो है वो कुशवाहा समाज का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10% वोट इनको मिल जाएगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपना दिखलाया है उसमें कहीं ना कहीं एक बात नजर आ रही है कि 2020 के चुनाव में लगभग 100 से कुछ कम सीटों पर चुनाव लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा, जहां उनको विधानसभा में 2.56 या कुछ इस तरह से उनको वोट आए थे, तो ये तो उम्मीद की जा सकती है ना कि वो 2% वोट उनको आएंगे कम से कम, जबकि अलग होंगे लड़े
अब अगर बीजेपी के बिल्कुल जाते हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो उनके समाज के लोगों को यह भी एहसास होगा कि अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आती है तो उनके समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो 2014 में 3 सीट जीत करके गए थे तो एक मंत्रिमंडल उनको मिला था, हालांकि वो अपनी पार्टी को एक नहीं रख पाए, अपने सांसदों को नहीं रख पाए, ये एक अलग मसला है। लेकिन वहीं अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के पास भी करीब 7-8-9% वोट है, 6% कहा जाता है, ज्यादा है 6% तो उनका व्यक्तिगत ना है, सिर्फ आप पासवान समाज की बात कर रहे हैं ना, मैं एससी की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण समाज भी या उनके साथ जो अभी वर्तमान जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। मैं आऊंगा सवर्णों पर भी आऊंगा, इस सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंधुआ मजदूर समझ रही है, अपना कोर वोटर समझ रही है और उनको नजरअंदाज कर रही है, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो चिराग पासवान के पास जो 7-8% वोट है उनमें से 6% वोट कहा जाता है कि उनके समाज वाला वोट जो है वो कहीं नहीं जाएगा, पारस और अगर उस खेमा का हिस्सा नहीं भी रहते हैं तब भी ये 6% वोट हो जाएगा। तो 6 और 3 9% वोट हो गया, 16 का नट सेल हम निकाल रहे हैं, 9% वोट हो गया। उसके अलावे जीतन राम मांझी पर भी अंकुश है, उनको भी झग्गड़ फेंक दिया गया है कि आइए फंसी है, उनके बयान से भी आपको नजर आया होगा। तो इसमें आपको सीधे नजर आया होगा कि अगर वो आ जाते हैं तो 1.5-2% वोट उनका भी है, तो करीब 11% वोट हो गया। और जितना वोट इधर आ रहा है उतना उस 16% में खिसक भी तो रहा है, कुशवाहा का वोट खिसक रहा है, कुर्मी का खिसक, हम 3% मान के चले, कुर्मी वाला वोट उनका 3, उसके बाद आरसीपी सिंह आ रहे हैं, आरसीपी सिंह बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, 1% वोट ला सकते हैं ना, क्योंकि कुर्मी समाज में भी जिस कुड़ी से आते हैं उस कुड़ी का वोट बैंक अच्छा खासा है, कई जिलों में उसका अच्छा प्रभाव है, वो वोट अगर नीतीश कुमार की विशेषता यही रही है और अब तक का उनका वो किसी भी तरह से उनके वोट में कोई सेंधमारी नहीं हो पाई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने यही काम किया जो हम आपको बता रहे थे कि या तो सेंधमारी करे या उसका जुगाड़ करे, यहां दोनों फॉर्मूला पर काम हो रहा है, एक तो नीतीश कुमार के लोगों को छटका करके उनका वोट बैंक कम किया जा रहा है और दूसरा अपना वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर जीतन राम मांझी आ जाते हैं तो 1-2% हो जाएगा, तो 10% हो गया। एक शख्स और है मुकेश सहनी जो दावा करते हैं कि मेरा 15-16% वोट है, लेकिन हम 15-16% नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि 5% वोट अगर ला देते हैं वो तो 10 और 5 15 यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंच जाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से फॉर्मूला बनाया है अगर उनका फॉर्मूला हिट हो जाता है, हालांकि आपने कल ही खबर चलाया था कि कुशवाहा समाज के लोग एकजुट होकर के जदयू के जितने भी कुशवाहा नेता हैं वो सब एकजुट होकर के करीब लगता है कि 50 से 100 के आंकड़ों में एक जगह बैठ करके मीटिंग किए हैं और आने वाले समय में नीतीश कुमार को कैसे मजबूत किया जाए, उन्होंने एक गठबंधन भी बनाया है कोरी या कुशवाहा जो है चेतना के नाम से, तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा डर जो है भारतीय जनता पार्टी का वो ये है कि जो 17 सीटें उसके पास वर्तमान में हैं उसको कैसे बचाया जाए। 17 सीटें जीतना है ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल हो जिसका कि कहा जाता है कि 30% वोट है और जो वर्तमान माहौल बना है इस देश में उसमें खास करके मुस्लिमों का वोट जो है वो इस बार बिखरना उखरना नहीं है, चाहे ओवैसी आ जाए चाहे कोई आ जाए, बहुत कम संभावना है कि चिराग को जाए, जो भी एनडीए के साथ उसको वोट नहीं मिलेगा। साथ में एक ये भी बात नीतीश कुमार ने रखा है कि जो विन विन पोजिशन में होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, और कांग्रेस को हम लगातार बता रहे हैं कि 272 सीट पूरा करने के पहले ये तय कर लिया जाएगा कि 543 सीटों में से कौन कितने सीट पर लड़ेगा, जिसकी जहां स्थिति मजबूत होगी सभी मिलकर के सपोर्ट करेंगे और सभी एक सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को छोड़ करके जितने भी बाकी के दल हैं क्षेत्रीय दल वो एक सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात, अगर ये फॉर्मूला नीतीश कुमार का हिट हो जाता है, और यही डर भारतीय जनता पार्टी को है, नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ले लिया है और यहां तक कि
अमित शाह जो स्ट्रेटजिस्ट कहे जाते हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने बौना साबित हो रहे हैं। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे जितना भी सब कुछ कर ले, लेकिन नीतीश कुमार 7 दलों को एक साथ रखने में कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता में तीसरी बार जाने से रोक सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष 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 काम नहीं करे, इस तरह से विशेष काम हो रहा है, बहुत सारे विशेष काम कहा जा रहा है, विपक्ष कहता है कि लगातार हम लोग को जेल में ठूसते जा रहे हैं, तो जब आप रहबे नहीं किया तो लड़िएगा किससे, तो ये एक मामला हो सकता है। और इन दो फार्मूला के अलावा एक भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जो फार्मूला है टिट फॉर टाइट कहा जाता है, या टिट फॉर टाइट, हाँ मैंने साम दाम दंड भेद, उसको अपना ले तो फिर 543 दिवसी का हो सकता है। चलिए ये आज का विश्लेषण था, गेम समझिए क्यों नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी बौखलाई हुई है, साफ वजह है 16% का वोट बैंक, लेकिन उसको लेकर फॉर्मूला तैयार कर लिया कैसे, आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ किया चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को खेमे मिलाने की तैयारी है, कहा जाता है मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाया जा सकता है ताकि नीतीश कुमार के जाने से जो वोट बैंक घटा है उसकी भरपाई की जा सके, और बाकायदा बाबा ने आपको आंकड़ों के जरिए समझा दिया कि कैसे गेम होना है। अगर बीजेपी इस चीज़ को रिकवर कर लेती है तो फिर वो जो है नरेंद्र मोदी को पीएम बना सकती है। आप देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।